Hello everyone, very good evening. Welcome to the class. Pranjal, Tonmay, Faisal, Abhishek, hello, welcome. Aajane do sare logo ko, Mayank, hello, welcome, good evening. To yehi hota hai jab class start karte hain. So I'm fine, I'm good as usual. Aap batao, aap kaise ho? Hello Srisha, welcome. Pata kya, jab aap logo mein se bahut sare students log, hum log ek tarike se roj mil rahe hain. So it's like a breeze ki haan hai, bada maza aa raha hai. Abhi mile the, matlab dusre wale class mein ye bhi seekha, wo bhi seekha. ये भी एक अच्छी बात है, बैच जैसा बन गया. nice to see you after 3 hours here too. Weird hunky dory we are. Yep, exactly. Hello Ayush, hello Manu, Elias, hi. So Agam, आइए बड़े टाइप बाद. Lucky यानी Noreen, Lucky या Noreen कौन आया है? Hello Shreya. Good evening, good evening. Hello Tausif, very good evening. तो odd sentence out का आज basic, मतलब आज के session के बाद ना you will be like completely knowing this entire concept. इसके बाद जितना मर्जी practice करेंगे full fledged concept आज हो जाएगा. Hello Renita, welcome, good evening. आज हम लोग पढ़ेंगे odd sentence out. अभी बस start करते हैं, थोड़ा सारे लोग आ जाए, वरना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है एंड लोगों को आने में लगता है टाइम एंड बड़ा प्रॉब्लम. ऑड सेंटेंस आउट, इसके तीन क्वेश्चंस, ये टाइप इन टाइप आउट होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बड़े सारे फायदे हैं इस क्वेश्चंस के साथ. लकी सर का क्लास रिशेड्यूल हो गया. हाँ तो मैंने तो ग्रुप में पहले ही पढ़ लिया था आपसे, मेरे को लगा कि यार एक और क्लास है क्या, लेकिन अभी देखा कि नहीं 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 सारे लोग तो यही आ रहे हैं. सो है, हेलो अंशु, हेलो सुनील, वेलकम. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. एंड जितने लोग आएंगे आएंगे. सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस बता दे क्या है. अगर इम्पोर्टेंस बताए बिल्कुल बेसिक से, कैट के सिलेबस में यू हैव 24 क्वेश्चंस डेडिकेटेड टू आरसी, है ना, यू हैव 4 क्वेश्चंस डेडिकेटेड टू पैरा जंबल्स. यस्टरडे वाज अ पैरा जंबल दिवस, ये हो चुका. आरसीज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सेशन, दिस इज काइंड ऑफ डन. ओके देन हम लोगों ने पिलर्स पढ़ा, पिलर्स इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग. हेलो एवरीवन, हेमंत, शुभांगी, स्नेहा, इंदिरा, हाय इंदिरा, आई थिंक वी आर मीटिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. हेलो श्यामली, वेलकम टू द क्लास, वेरी गुड इवनिंग. जुगांतर, हाय जुगांतर, वी आर आल्सो मीटिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. वेल आप लोगों को मजा आएगा क्लास में, दैट इज रेस्ट अश्योर्ड. हेलो प्रकाश, धीरज, शंकर, छोटी, अयंतिका, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू हियर टू हुम आई एम मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. हाय रितेश, हेलो कॉन्करर. कॉन्करर साहब आपके नाम क्या है, मर्जी आपकी, बताने बताओ ना, कोई बात नहीं, बट यू कॉन्कर एवरीवन, ये आपकी पर्सनालिटी में दिखता है. चलो फिर देखो, 24 क्वेश्चंस आरसी के जाते हैं, 4 क्वेश्चंस पैरा जंबल के जाते हैं. पैरा जंबल आपका टाइप इन टाइप आउट होता है, साथ में अब आता है पैरा कंप्लीशन या पैरा समरी, जिसको भी हमने एक दो दिन पहले दोनों ही सेशंस की प्रैक्टिस कर ली थी. इसके 3 क्वेश्चंस आते हैं, बचे लास्ट के 3 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस आर ऑल डेडिकेटेड टू ऑड सेंटेंस आउट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू Do odd sentence out. Odd sentence out भी आपका type in type out है. Question दिखता कैसा है? You get 1, 2, 3, 4, 5 points. You need to tell कि all the 5 points में से एक point odd है, sentence odd है, and बाकी के 4 मिलके एक paragraph construct करेंगे. Yesterday इस समय 8 बजे हम लोगों ने पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस की थी, सीखा था कल के पूरे दिन, इसीलिए कंटिन्यूइंग द पैरा जंबल वाला कॉन्सेप्ट, इट विल हेल्प अस अ लॉट टुडे इन लर्निंग ऑड सेंटेंस आउट एंड टू मास्टर इट. आज के सेशन में यू विल बी इन कंप्लीटली इन टू द ऑड सेंटेंस आउट, बेसिक आपका टोटल क्लियर, यू विल बी लाइक रेडी टू लेवल अप, इतना इज प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड. हेलो यश, हेलो आदित्य, हेलो प्रणय, शुभांगी शर्मा, एवरीवन वेलकम टू द क्लास. कोई रह तो नहीं गया जिसका मैंने, हर्षित, हेलो हर्षित, विशाल, हर्षित बड़े टाइम बाद, क्या चल रहा है आजकल. हरि भाई, हेलो वेलकम. दीप, हाय, क्या चल रहा है हर्षित आजकल. हेलो गुरु, गुरु बोले तो स्वप्निल. TITA MCQ, यस TITA इज नॉन MCQ. तो नॉन एमसीक्यू में फायदा क्या है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, सो इसीलिए ये ऐसे चलेगा. हेलो मुदासिर, वेलकम, वेलकम टू द क्लास. चलो सारे लोग आ गए. कपिल, हाय वेलकम. यस, नो नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए इसका बड़ा फायदा है. आ गए सारे लोग, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. अभी कौन आया? ओके, इमोजी से हाइड हो गया, वेलकम, जो भी आए वेलकम. चलो फिर स्टार्ट करते. हेलो देवांशी.
ओके सो कैप्सूल कोर्स ऑन वीआरसी, ये मैंने कभी लिया होगा, मैंने कभी प्रीवियस ईयर में प्लस में पढ़ाया होगा, तो मैं तो आपको बोलती हूँ कि आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्लस एंड अ स्पेशल क्लास. सीखना है कहीं से भी सीख लो, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सीखिंग लर्निंग, ठीक है. हेलो नितिश. तो देखिए आज के सेशन में हम लोग इन सारी चीजों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड ऑड सेंटेंस आउट टोटल डन है. 3 क्वेश्चन डन है, 9 क्वेश्चन की मास्टरी पक्का हो जानी है. इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स, क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, सारा कुछ देखेंगे. 2 अप्रोच से ऑड सेंटेंस आउट सॉल्व करने की कोशिश ये सीखेंगे. सिंपल अप्रोच क्या है, हाउ टू फाइंड द अनकॉमन, या फिर एक मेरा वाला स्टाइल. ये जो बुकिश स्टाइल है इसको हटाते हैं, मेरे वाले स्टाइल से चलते हैं, जो मैंने नया डेवलप किया है कि इसको ना पढ़ के पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को मैं वो पढ़ाती हूँ जो आप लोगों के तुरंत काम का. दैट विल टेक ओनली 10 मिनट्स एंड इस पीडीएफ के जितने सारे क्वेश्चंस बचेंगे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट ऑल. तो ये करते हैं काम. ऑड सेंटेंस इन मैट, मैट में किधर आता है ऑड सेंटेंस? ऑड सेंटेंस मैट में नहीं आता, वो ऑड वर्ड तो आता है. हेलो नितिश, वेलकम टू द क्लास. आरसी के वो क्वेश्चंस करने थे पहले, अरे वो वाले क्वेश्चंस करने थे, इजी है आपका वाला. अरे वो वाले क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने. अरे एक मिनट, आरसी के नहीं, एफआईजे के. अभी करने हैं कि क्लास के बाद में करें? नहीं, मैंने बोला था क्लास के स्टार्टिंग में करो. अच्छा जल्दी से ले आते उस क्वेश्चन को. किधर गया. पिलर्स ऑफ दी आरसी, वो फुली यही वाले होंगे. देयर वर 2 क्वेश्चंस आई शोड यू लेटर. चलो लेटर ऑड सेंटेंस आउट सीख लेते हैं, इसको बाद में करते हैं. ये पीडीएफ खतरनाक, फिर से इसमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे. हम लोग अपने ऑड सेंटेंस आउट को खत्म करते हैं. चलो सबसे पहले कुछ बेसिक्स होता है, ठीक है. बेसिक्स ये सब छोड़ो, ये पीडीएफ है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रीडिंग पार्ट खुद कर लेना. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, ये इस पे नहीं, हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं. ओके ये काम आएगा, एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ये सब इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं. यस How to find uncommon? Yes, ये ठीक है, ये आप लोग अपने हिसाब से पढ़ना, मैं आपको ये पढ़ाने नहीं वाली हूँ. यहाँ से काम आएगा क्योंकि यहाँ से how to find uncommon ये हो जाएगा. देख लेते हैं, ये सारा कुछ मैं पढ़ा देने वाली हूँ, एक मिनट रुक जाओ. यहाँ से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस करने से पहले लेट अस टेक अ पेज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली ऑन पेपर. देखो ऑड सेंटेंस आउट होता क्या है, पिक्टोरियल फॉर्म पे समझो, ठीक है. ऑड सेंटेंस आउट सिचुएशन ये होती है कि क्वेश्चन ये बोलता है कि यहाँ पे बिलो गिवन आर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स, क्वेश्चन ये बोलता है. फिर क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स फोर ऑफ द फाइव पॉइंट्स आर गोइंग टू बी मेकिंग अ कोहेरेंट पैराग्राफ व्हेन अरेंज्ड इन सीक्वेंस एक्सेप्ट वन. द वन पॉइंट विच इज द ऑड वन आउट, फाइंड दैट एंड टाइप इन टाइप आउट. टाइप इट इन द बॉक्स बिलो थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है. तो क्रक्स क्या है, इन पांचों में दिखेगा ये एक पैरा जंबल का क्वेश्चन. आई रिपीट, ऑड सेंटेंस आउट क्वेश्चन एकदम पैरा जंबल के क्वेश्चन जैसा दिखता है. वो बोलता भी है कि 4 सेंटेंस अरेंज करो, पैराग्राफ बनेगा. जो उस पैराग्राफ में अरेंज नहीं होगा वो है आपका ऑड. अब तेरा भाई ये सागर भाई है ना, ये ओशियन भाई है. हेलो मनीष, ओके आ गए सारे लोग, यस ओशियन. मोनोजीत वेलकम. तो ऑड सेंटेंस आउट में करना क्या है, 2 टेक्निक है, देर आर 2 ट्रिक्स, खत्म. देखो प्लीज अपलोड सत्यम विट, आपका वो कमेंट हाइड हो गया है. कोई अपना मेला, इधर सब अपने ही है. छोटी पीडीएफ ओवर ग्रुप, अच्छा ठीक है, आई विल अपलोड दैट. रितेश हाय, इतना क्या डिस्क्राइब करना, बात कचरा निकाल दो. ये पहली वाली पीपीटी, पहली वाली, हाँ हर्षित पहली वाली है क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक एकदम न्यू बैच के लिए है, आपने पढ़ रखा है. मैंने तो पहले ही बोला जो बैच ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको बोरिंग लगेगा. पीडीएफ कहाँ से लेंगे, सेशन एंड होने दो. सेशन एंड होने के बाद आप इस सेशन को दोबारा क्लिक करना देवांशी, यू विल गेट पीडीएफ का बटन, तब दिखाई देगा, अभी दिखाई नहीं देगा. ओके सब ही अपने ऐसा ही बात है. देखिए 2 टाइप से आपको ऑड सेंटेंस आउट निकालना है, फिर बात खत्म है. आपको रूल्स लगाने हैं पैरा जंबल्स वाले, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 2 ही तरीके हैं. या तो फाइंड आउट कर लो सब में कॉमन क्या है, खत्म. क्या मतलब है इसका, कि चारों चीजों में कॉमन कुछ चल रहा होगा, एक किसी चीज में एक कॉमन आइडिया नहीं चल रहा होगा. मतलब देयर विल बी 4 सेंटेंसेस जिसमें कॉमन पॉइंट चल रहा है वो ढूंढना है, जो ऑड है वैसे मिल जाएगा. या दूसरा तरीका है लॉजिक, लॉजिकली आप ढूंढो कि क्या चीजें रिलेट कर रही हैं एंड क्या रिलेट नहीं कर रही हैं. ऑड सेंटेंस आउट में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस है.
तो लेट अस डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन. बाकी पीडीएफ में कुछ खास है नहीं कि टेंस देखो देखो पीडीएफ ने क्या बोला था. पीडीएफ ने बोला था कि जब आप कंफ्यूज हो जाओ तब आप क्या करोगे, तब आप टोन देखोगे, टेंस देखोगे, ग्रामर देख सकते हो. ये सारी चीजें हम लोगों ने कल ही सीखी थी पैरा जंबल्स में. देयर इज नथिंग न्यू. जब कुछ नया नहीं है क्वेश्चन करते हैं एंड सीखते हैं. हेलो रोशन, वेलकम टू द क्लास. गाइस फोकस नाउ. यू हियर यू हैव 1 2 3 4 5 पॉइंट्स. करना क्या है, पांचों पॉइंट्स को पढ़ेंगे. पैरा जंबल नहीं है, अरेंज आपको नहीं करना. लॉजिकली फर्स्ट पढ़ो, सेकंड पढ़ो, देखो कि क्या 1 और 2 में कनेक्शन है. कनेक्शन है तो बढ़िया है, पता नहीं चल रहा कनेक्शन कोई बात नहीं. थर्ड पढ़ो, देखो ढूंढो इनमें कनेक्शन है कि नहीं. कनेक्शन है तो सही है, कनेक्शन नहीं है कुछ तो गड़बड़ वाला सीन है, तो व्हाट इज द गड़बड़ थिंग. सारे पॉइंट्स को पढ़ो, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिधर को गड़बड़ है. जहां गड़बड़ है वही ऑड है, वही आपका आंसर है. आपको अरेंज इसको बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है एंड लॉजिक लगाना है. लॉजिक लगाने के लिए कोई रूल्स कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पढ़ो एंड ऑब्जर्व करो. हेलो सुप्रिया, वेलकम. बड़ा अच्छा लग रहा है आपको फिर से क्लास में देखते हुए. चलो वेलकम टू द क्लास. प्लीज इसको सॉल्व करो. पता नहीं शायद आपने ये वाला पीडीएफ कर लिया होगा, बाकी पता नहीं. ओहो हो हो, सो मेनी आंसर्स. 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है. फिर नेट गया. अरे एक सेकंड रुको, सुनो. हेयर वी कैन कंडक्ट द पोल इजंट इट. इधर तो पोल कर सकते हैं. देखने दो देखने दो, क्या है ये क्वेश्चन, क्या है. अब से नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल नहीं करते, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल करेंगे, कमेंट्स में बातें नहीं. तो ये रहा. हेयर हेयर हेयर, पोल में मार्क करो सारे लोग. ब्रजेश, शुभांगी, कॉन्करर, मोनोजीत, सुप्रिया, गुरु, रितेश, नितेश, आगम, इलियास, रेनेताश, प्रांजल, श्रीशा, रूबल, विशाल. देर आर सो मेनी नेम्स जिसको एकदम से ऊपर चला गया, मेरे को पता ही नहीं चला कौन कौन. प्रकाश, विशाल, गलत हो गया. फैजल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. अंशु, अभी, शाबाश, 55% ऑफ द क्लास का तो सही है, बाकी लोगों का गड़बड़ हो गया. ऐसे कैसे छोटी. ओके अभी देखते हैं जिन लोगों ने लॉजिक करेक्टली लगा लिया. बता देते हैं, आई एम स्विचिंग. डर से मार्क हुआ, देर से मार्क हुआ. ओह देर से मार्क हुआ. चलो जिनका नेट स्पीड अच्छा चल रहा था, जिन्होंने तुरंत मार्क किया, सो टॉप में है ब्रजेश, देन शुभांगी, देन कॉन्करर. ओके प्रणय, मोनोजीत, सुप्रिया, गुरु, रितेश, मयंक, नितेश टॉप 10 में आ गए हैं. एंड बाकी टाइमर का चक्कर है, कोई बात नहीं, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन देखेंगे. अब जिनका गलत हुआ, 45% ऑफ द क्लास का गड़बड़ हुआ. चलो ढूंढते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया मैंने. हेलो प्रतीक, वेलकम, गुड मॉर्निंग. अर्चित, हाई, गुड मॉर्निंग. ये मैं मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ यार, देखो इतना क्लास लेती हूँ ना, मेरे को पता ही नहीं चलता क्लास लेते रहते मॉर्निंग है इवनिंग है. गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग. नरेंद्र, गुड इवनिंग. देखा क्या हाल होता है क्लास लेते लेते, ये हाल हो जाता है. मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, कुछ नहीं, सब क्लास ही क्लास. यस चलो. यही होता है. फर्स्ट वाला क्या है, नेपाल प्राइम मिनिस्टर विल पे विजिट. चाइना जाएगा, नेपाल प्राइम मिनिस्टर विल पे. ठीक, दिस इज हिज सेकेंड विजिट टू इंडिया. ठीक है, वो उनका सेकेंड विजिट है. अभी ये हिज कौन है, क्योंकि इधर नेपाल प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है, इधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की है. इतनी जल्दी तो हमें पता नहीं ये हिज कौन है. तो थर्ड देखा, हिज इंडियन काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इधर तो हिज नेपाल प्राइम मिनिस्टर, ये तो तय है. ऑल्सो विजिटेड नेपाल फ्यू ईयर्स बैक. इधर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे, विल पे, फ्यूचर में चाइना जाएंगे. टेंस ऑब्जर्व करें तो स्टोरी क्या चल रही है, इधर फ्यूचर में वो जाने वाले हैं, गए नहीं है. नेपाल प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं चाइना. ठीक है, ये उनका सेकेंड विजिट होगा, क्योंकि इससे पहले वो इंडिया आए. अब भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया तो आएंगे नहीं लॉजिकली, ये किसकी बात हो रही है, सेकेंड वाली बात नेपाल प्राइम मिनिस्टर की. अच्छा पॉइंट नंबर 3, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले नेपाल गए थे, पास्ट की बात हो रही है एंड ये बातें भी किसी और की हो रही है. मतलब फोर्थ वाला, अपार्ट फ्रॉम साइनिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये एमओयूज आर एक्सपेक्टेड टू बी साइंड ड्यूरिंग अपकमिंग ट्रिप. ये भी फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि ये प्रोटोकॉल साइन सिग्नेचर किसकी बात हो रही है, कि नेपाल प्राइम मिनिस्टर के विजिट की बात हो रही है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट की बात नहीं हुई. ही विल एड्रेस, इधर भी टेंस देखा, यानी कि कुछ नहीं करना था. 1 2 4 5 में क्या कॉमन रन कर रहा है, एक टेंस. सारे के सारे फ्यूचर टेंस में नेपाल प्राइम मिनिस्टर घूमने जाएंगे, विजिट करने जाएंगे, क्या क्या उनका एजेंडा है वो बताया. एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर पास्ट में किधर गए थे वो ऑड है, क्योंकि इसका इस पैसेज से लेना देना नहीं रहा.
सो 55% ऑफ द क्लास ने इसको सही मार्क किया था, बाकी कुछ लोगों का हो गया मिस फायर. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एंड इसको करते हैं. प्रतीक, यू नो एक्चुअली यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग. मंथन भी आ गए हैं, देवेंद्र भी आ गए हैं, एक्चुअली आप लोगों ने मिस कुछ नहीं किया है. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गए हैं. लॉजिक से चीजों को सॉल्व करना है तो इसमें सीखने का क्या, इसमें सीखने का कुछ नहीं, सीखेंगे टाइम वेस्ट होगा. बढ़िया है, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस. हेलो शाश्वत, वेलकम टू द क्लास. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. ठीक है, ये एक तरीका रहता है इजी वाला कि अगर ज्यादा टफ लगे तो शॉर्ट नोट्स बना लो, लेकिन इजी क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स बना के क्या फायदा. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में भी कुछ स्टोरी चल रही होगी, पैराग्राफ टोटल जंबल्ड होगा, कोई बात नहीं. आपको कौन सा अरेंज करना है, आपको लॉजिकली चीजों को रिलेट करना है, जो लॉजिकली आउट ऑफ द बॉक्स वो कमेंट में नहीं पोल में. ठीक है, पढ़ो पहले फिर पोल चलाते हैं. चलो पोल अभी चलाते हैं. दिस विल बी अ फेयर प्ले, वरना सारे लोग पहले आंसर्स के लिए रेडी तो देन इट विल बी जस्ट अ गेम ऑफ नेट स्पीड. नो, आई वोंट वेट, आई विल इंक्रीज द पोल टाइमर. शाबाश ब्रजेश, अभी श्रीशाम, गुरु गुरु बोले तो स्वप्निल, राइट, श्यामली, देवांशी, श्रेया, ओशन भाई, क्या नाम था, यप, नितिश, दीप, रहने था. ए आएगा कि नहीं आएगा मेरे को क्या पता. अंजु, मनीष, आयुष, शाबाश. ओहो, ओनली 37% का करेक्ट है, बाकी गड़बड़. ये क्वेश्चन वॉज काइंड ऑफ, चलो पोल टाइमर आई एम इंक्रीजिंग. गलत टाइप हो गया, टाइप किधर किया, मार्क हो गया. ओके फैजल, कोई बात नहीं. लुक्स लाइक 1/3 ऑफ द क्लास ऑलमोस्ट उन्हीं का सही है एंड 2/3 जनता गलत. ऐसे कैसे गलत, फाइनली करेक्ट हो गया इन टाइम. करेक्ट हो गया इन टाइम, बस पोल भी गया. देखते हैं लीडर बोर्ड क्या बोलता है, कौन है टॉप 3. वाह वाह, ब्रजेश वंस अगेन, गुरु आई मीन स्वप्निल, नाम नोट करके रखा मैंने, श्रीशा, शाबाश शाबाश, एंड बाकी 8 लोग हैं लिस्ट में. कोई भी टॉप 3 में आ सकता है बेस्ड ऑन द टाइमर एंड एवरेज एंड पता नहीं क्या क्या है ना. हेलो, अब ओके कौन आए क्लास में जरा देखें कभी. ओके अभिनेता, हाय अभिनेता, वेलकम टू द क्लास. चलो फिर अभी जरा देखते हैं कोई अपना है लीडर बोर्ड पे. अरे आगम, सारे लोग अपने हैं, कोई पर आए नहीं इधर. ठीक है, हेलो आनंद. तो अभी इसमें कॉमन क्या है, नो रिपोर्ट ऑफ कैजुअल्टी. कैजुअल्टी बोले तो एक्सीडेंट हुआ, बोले तो ऐसा क्या हुआ जिसका कैजुअल्टी नहीं हुई. अच्छी बात है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, चलो अच्छी बात है, शुक्र है. लेकिन किसकी बात हो रही है, क्या पता. द एक्टर वॉज नॉट इन साइड द बिल्डिंग विद द फायर ब्रोक आउट. हाँ, आग लगी थी उस बिल्डिंग पे, एक्टर बिल्डिंग में नहीं था तो कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, वरना उस एक्टर के साथ बहुत बुरा हो जाता. लॉजिक तो है, स्टोरी तो है, 1 and 2 रिलेट कर तो रहा है. एटलीस्ट 90 रेसिडेंट्स वर्क इवैक्यूएटेड सेफली. वर्क नहीं, वर होगा लगता है, टाइपिंग मिस्टेक है, डब्ल्यू आर ई वर होगा. इवैक्यूएटेड सेफली आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट ऑन वेंसडे इन मुंबई. देखा जाए तो ये तीनों रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि इधर बोला कैजुअल्टी नहीं हुई, इधर बोला एक्टर भी बिल्डिंग में नहीं था, एंड इधर भी बोला एक 90 रेसिडेंट लोगों को इवैक्यूएट किया गया. पक्का मुंबई में एक बिल्डिंग में आग लगी जिसमें कोई एक्टर भी रहता होगा, तभी बोला नो कैजुअल्टी. यानी कि इनको भी बाहर निकाल दिया गया, उधर कोई एक्टर का भी घर रहा होगा, वो भी नहीं था बिल्डिंग में, तो कोई कैजुअल्टी नहीं. देख के तो लॉजिकली सही लग रहा है. फोन ने क्या बोला, अ सिमिलर फायर ब्रोक आउट 2 years ago. ये 2 साल पुरानी बात यहाँ क्यों बोली. हम लोगों को तो फायर लगा था मुंबई में अभी अभी, उसकी बात गोरी जी. ये कुछ तो गड़बड़ है. पॉइंट नंबर 4 इज दैट, कुछ तो गड़बड़ वाला पॉइंट. ये आगरा में 2 साल पहले के फायर की बात हमें क्यों बता रहा है. हम लोगों को तो ये वाले फायर के साथ क्या हुआ उसकी बात बताओ. अकॉर्डिंग टू BMC डिजास्टर कंट्रोल, फायर इरप्टेड अराउंड 10 बजे, टॉप फ्लोर बिल्डिंग. सारा कुछ लॉजिकल है, आपको अरेंज नहीं करना, पैराजंबल नहीं है, पैराजंबल से एक लेवल काम कम ही करना होता है. 1, 2, 3 में स्टोरी रन कर रहा है, 4 भी स्टोरी का हिस्सा हो गया, 5 2 साल पिछला पुराना बात कर रहा है, जबकि 1, 2, 3 और 5 मिलके क्या कर रहा है, एक रिपोर्ट दे रहा है, न्यूज रिपोर्ट काइंड ऑफ की रिसेंटली ऐसा हुआ था. बस हमें ढूंढना है लॉजिक एंड जाना है अपने आंसर पे. इस तरीके से वी गॉट आवर आंसर. कैजुअल्टी क्या होता है, कैजुअल्टी मतलब कैजुअल्टी होती है. अबे रुक जाओ, आई एम गूगलिंग इट. कभी कभी डेथ नहीं,
हल्के में, अरे हल्के में लेना नहीं, कैजुअलिटी मतलब गड़बड़, अरे यार मतलब डिजास्टर। देखो मैं तभी तभी मैं कुछ कैजुअलिटी का मतलब मैं गूगल से पूछती हूँ, गूगल एग्जैक्टली क्या बोलता है। ये कह रहा है कैजुअलिटी मतलब लॉस हो सकता है, सफरिंग हो सकता है, लेकिन इधर सफरिंग किधर से आएगा, लॉस लगाओ, इधर कैजुअलिटी का मतलब लॉस लगाओ, सीरियस इंसिडेंट्स भी हो सकता है बच गया घायल होने, हाँ सारा कुछ, अनसर्टेनिटी, इंजरीज, इमरजेंसी कह सकते हैं, लॉस वर्ड सही बैठ रहा है इधर, इस यहाँ पे लॉस ही सही बैठ रहा है, समथिंग इन बैड सेंस, हाँ एग्जैक्टली। चलो तो ये हमने निकाला लॉजिक एंड ये क्वेश्चन भी डन, अब चलते हैं आगे क्या क्वेश्चन है एंड उसको कैसे सॉल्व करना है। डू इट योरसेल्फ तो सारे आप लोग बाई योरसेल्फ कर रहे हैं, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बचाना वो लॉस बचाना वो उस तरीके से हुए क्योंकि नो कैजुअलिटी हुई तो बच गए, बिल्कुल ठीक है। चलो अभी इधर क्या चल रहा है, कॉमन ढूंढो उसको, पोल स्टार्ट करेंगे एंड पोल में मार्क करने से पहले एक्साइटेड होकर कुछ भी मार्क कर दिया वो नहीं करना है, पढ़ के मार्क किया जाएगा। चलो पोल में आराम से चलाऊंगी, पढ़ो पहले दो मिनट रुकना है ठीक है, रुकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इफ एनी बडी इन द क्लास इज हैविंग प्रॉब्लम इफ आई एम यूजिंग हिंदी सो प्लीज डू टेल मी, आई विल स्विच टू इंग्लिश इमीडिएटली। हेलो काजल, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। हाँ हाँ रुके हुए रुके हुए, आप देखो आप उसको पढ़ो। हेलो सरिदेश वेलकम, आरुष आ जाओ, वेलकम वेलकम। आरुष को देख के खुशी हो जाती है, नहीं सही बात है, एक ये आरुष एक ये आगम, ये दोनों क्लास में होते हैं तो इट्स लाइक अ लिट क्लास, मजेदार। नेट मर गया है आयुष, अरे 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 हेलो काजल, पोल चलो पोल चलाते हैं, डन ओके चलो गेट रेडी, हियर इज द पोल, देखते हैं कितने लोग का नहीं। तारीफ तारीफ, गलत इंटरप्रेट मत किया करो, तारीफ तारीफ ओ तेरी, कितने लोगों का सही आंसर भी आ गया एंड कितने लोगों का मिसफायर भी हो गया, ये क्या चल रहा है। अरे मैं किसी की बेइज्जती नहीं करती सही है शाबाश। देखो मेरे को जो नाम दिखाई दे रहा है, मेरे को स्टार्टिंग के नाम एकदम से ऊपर चले गए, आई कैन सी शुभांगी, यश, दीप, फैजल, ओहो लीडर बोर्ड आ रहा है, चलो लीडर बोर्ड में देखते हैं कौन कौन करेक्ट अगेन, शाबाश, टॉप थ्री पोजीशंस रिटेन्ड ब्रजेश, देन गुरु स्वप्न है ना, श्रीशा, शाबाश शाबाश, सो टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द थ्री, ओहो हो, देन नितिश, दीप, अभी, आगम, ओशियन भाई विशाल रहने था, ओहो हो नंबर सिक्स में, शाबाश शाबाश। तो टॉप सिक्स के बीच में सत्ता कभी भी पलट सकती है, कोई स्लो हुआ एंड सत्ता पलटी तो मैं लास्ट में, कोई बात नहीं सही तो हुआ है ना, टाइम, ओहो हो, चलो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या है, एक मिनट, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गड़बड़ हुआ है, अभी ढूंढते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, कैसे मिला सही आंसर इसका। ये बोलता है एक एक लाइन को पढ़ना है, उनका मीनिंग समझना है ब्रॉड लेवल पे, स्टोरी कनेक्ट करनी है एंड इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में कोई सब कुछ नहीं सीखता, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप टाइम वीआरसी के साथ स्पेंड करते हैं उतना ज्यादा टाइम यू विल बी मोर कंफर्टेबल टू सी एवरीथिंग, वो बस देखने का नजरिया जो डेवलप होता है। द फुटबॉल वर्ल्ड कप अराउजिंग हाई पैशन इन बांग्लादेश, फुटबॉल वर्ल्ड कप एंड बांग्लादेश बड़ा खुश, ठीक है। अर्जेंटीना ओके एक टीम है उधर की, विल हैव द सपोर्ट ऑफ ओलंपिक ग्रेट उसेन बोल्ट, अर्जेंटीना इज अ फुटबॉल टीम, उसेन बोल्ट तो वो जो रेस लगाता है फर्स्ट आता है जमाइका का है, ये इसका बांग्लादेश से कनेक्शन मिल रहा है क्या, जीके भी नहीं बता रहा कनेक्शन मिल रहा है, तो खैर फर्स्ट एंड सेकेंड में कनेक्शन तुरंत तो नहीं मिला, पता नहीं इसका क्या होगा, थर्ड देखते। इट इज रिपोर्टेड दैट पीपल आर पुटिंग फ्लैग्स ऑफ ब्राजील एंड अर्जेंटीना ऑन द रूफटॉप आउटस्कर्ट ऑफ ढाका, चलो कुछ तो मिला, एक चीज कंफर्म है, बांग्लादेश मिला ढाका मिला कनेक्ट हो गया, ये दोनों तो कम से कम कनेक्ट हो गया, सेकंड का अभी भी क्लियर तो नहीं है, फोर्थ देखते। दे होल्ड मीटिंग प्लान फॉर क्रेजीनेस टेंशन, कौन बोल रहा है, पुलिसमैन बोल रहा है, ये क्रेजीनेस वेजीनेस किधर हो रही है, फ्लैग मतलब ये सारा चीज किधर चल रहा है ढाका में, एंड ये पुलिसमैन बोल रहा है कि सारे लोग पागल हो रहे हैं इधर ढाका में, ठीक है। सो बिकॉज हाई पैशन एंड एवरीथिंग टूवर्ड्स फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक, कंट्री की बात हो रही है ना, कंट्री में एक पुलिसमैन बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिफ्थ,
फ्लैग फॉरवर ऑब्वियस साइन कंट्री स्विच एलिजेंस फ्रॉम क्रिकेट टू फुटबॉल, क्या ये क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल में है? हाँ, इसका भी प्रूफ है कि यस ये लोग सारे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पागल हो रहे हैं. सो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. बचा क्या? बचा ये जो काफी अजीब सा, क्योंकि इसमें अर्जेंटीना टीम जिसका डायरेक्ट बांग्लादेश के अंदर से कोई लॉजिक नहीं. हाँ, अर्जेंटीना टीम के फ्लैग्स लगा रहे हैं, कुछ लोग ब्राजील के टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं. सपोर्टर्स लोगों का बांग्लादेश में आपस में जो भी कि वी आर दिस सपोर्टर वी आर दैट सपोर्टर, वो जो क्रेजीनेस चल रहा है वो अलग बात है. लेकिन इधर ओलंपिक ग्रेट उसेन बोल्ट एंड अर्जेंटीना का बाकी सेंटेंस से कोई काम नहीं बचा. सो ये हम लोगों ने देखा एंड सेकेंड वन गॉट द राइट आंसर. फर्वर मीन्स क्रेजीनेस. अब आ जाओ गूगल, गूगल मीनिंग देखो, गूगल क्या बोलता है पता है? कभी कभी क्या होता है, कंटेक्सुअल मीनिंग एंड गूगल मीनिंग डिफर करता है, कभी कभी गलती से सेम हो जाता है. पैशन, इधर गूगल बोल रहा है पैशन. आर्डर, इंटेंसिटी, तो या तो पैशन ले लो या क्रेजीनेस ले लो, एक ही बात है. ओके, हाय प्रिया, वेलकम टू द क्लास. तो गाइस दिस वॉज द इजी इजी लेवल. अब एक लेवल अप करते हैं भाई, लेंथी क्वेश्चन चलते हैं, लेवल अप होगा ठीक. अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें ना कुछ टाइपो है, इसमें कुछ टाइपिंग एरर्स है, लेट मी करेक्ट दैट एरर वरना आप लोगों को प्रॉब्लम होगी. ये पीडीएफ याद है मेरे को, इनकेपेबल सेम वर्ड है, ये सेम, ये सिंगल वर्ड है. ओके, और किधर, बाकी ठीक है, बाकी देर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक. हाँ ये देखते हैं, ये लेंदी है थोड़ा. आई विल नॉट कॉल इट टफ, टफ कुछ नहीं होता, लॉजिक से सब कुछ सॉल्व होता है. पढ़ने का प्रैक्टिस, दैट्स इट. रुके हैं सारे लोग, पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेना. टेंशन के वीआरसी टेंशन से होता ही नहीं है सॉल्व, बिना टेंशन के सॉल्व होती है. ओहो डन, हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? सस्पेंस बढ़ने दो मंथन, बढ़ने दिया, चलो स्टे इन सस्पेंस. ओहो हो, सेवन लोगों का थम्स अप आया, सात आठ लोगों का तो डन है, छह सात आठ, एट पीपल आर लाइक रेडी. और भी थम्स अप आ रहे हैं. कुछ लोग ना बदमाश भी होते हैं, उनको पता है कि वो कितने भी थम्स अप मार दे, नाम तो उनका एक ही बार आएगा. ये देखो, ये इधर अभी जो 23 थम्स अप दिखा रहा है ना, नाम आएगा तो एक ही इंसान का होगा, या दो या तीन. वाह, स्टार्टिंग द पोल नाउ, जैसी मर्जी, जो आज्ञा. Here is the poll. Let us see. शाबाश स्नेहा, तन्मय, शुभांगी, अरे नाम सारे ऊपर चले गए, अरे 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 सारे ऊपर चले गए. अर्चित, धीरज, अभी, सुप्रिया, गुरु, लकी, रितेश, बाकी देर आर सो मेनी नेम, सारे नेम ऊपर चले गए. अंशु, अभिषेक, शाबाश. ये क्वेश्चन मेरे को लगा गड़बड़ करोगे, 68% करेक्ट हो गया. यानी कि नाउ यू पीपल आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मोनोजी, शाबाश. इसमें उंगली, इसमें भी फिसल गई, अरे रे 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 रे, तेल लगा रखा है. ओके, टॉप थ्री पोजीशंस में चेंजेस. ओहो शाबाश ब्रजेश, श्रीशा, ओहो स्वप्निल, क्या हाल, क्या बात. फोर्थ नंबर, मतलब थर्ड नंबर पे खिसक गए. ये देखो, ये श्रीशा, शाबाश. अभी वन एंड टू में और कंपटीशन, ब्रजेश देख के. एंड नीचे आई कैन सी कि कुछ रैंकिंग ऊपर नीचे हुए, कुछ नए लोग आए हैं, कुछ लोग आउट. दीप थोड़ा नीचे तो ऊपर आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है इधर तो. अब अच्छा, ई मार्क करने गए, डी मार्क हो गया. लो कर लो बात. फिक्स्ड इन सिक्स, यस आई सी. चलो कोई बात नहीं, अब चलो देख लेते इसका आंसर. जिन कुछ लोगों का गड़बड़ अभी भी हुआ है तो देखना बनता है, स्टोरी चल रही है, ब्रॉड लेवल पे स्टोरी देखा करो, है ना. सो हेलो इरशाद, वेलकम टू द क्लास. श्रेया बटर
ओके फर्स्ट वाला क्या है, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टोमक नीड्स अनइंटरप्टेड सप्लाई स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन टू फाइट. आर्मी को अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए चीजों के लिए, मतलब आर्म्स एम्युनिशन लड़ना झगड़ना है ऑब्वियसली. आर्मी यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड बताई जा रही है, क्यों? क्योंकि ये जो पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्सेज हैं उन लोगों को जो वेपन है वो जो उनको वो है उन्होंने सीखा है वेपन खरीदना एंड उसको वो इम्पोर्ट कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में ताकि उन पर कोई सेंशन ना लगाए, ताकि उनको कोई डांटे ना, ताकि मतलब उनको कोई मना ना कर दे. इधर बोला आर्मी को नीड है एम्युनिशन की, इधर क्यों बोला कि आर्मी खुद से वेपन्स खरीद रही है? इसमें नीड बताए कितने वेपन्स की नीड है. इधर बताया कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होती है वो इनकेपेबल है आर्मी के नीड को पूरा करने के लिए. तो स्टोरी यहां से समझ में आई, आर्मी को चाहिए अनइंटरप्टेड सप्लाई, कितनी चाहिए? इतनी चाहिए, लेकिन ऑर्डिनेंस बोर्ड वो सप्लाई पूरी कर नहीं पा रही है एंड इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आके आर्मी खुद ही वेपन्स खरीद रहा है स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में, इम्पोर्ट कर रहा है. ये मिल गई स्टोरी. लेकिन फाइव हो गया गड़बड़. फाइव बोल क्या रहा है? फाइव ये बोल रहा है कि इसके लिए आर्मी टेंडर निकाल रही है, एक्विजिशन डील कर रही है और उससे चांसेस है डिसीजन लूप्स टू मेक मनी, उससे करप्शन के चांसेस. ये अलग हो गया, ये टोन अलग हो गया, क्योंकि हमें ये पता भी नहीं कि ये सेंटेंस आर्मी के सेंस में है भी या नहीं, क्योंकि बाकी सारी जगह पे दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एम्युनिशन की नीड है, एम्युनिशन की नीड है, वो एम्युनिशन खरीद रहा है क्योंकि आर्मी को एम्युनिशन वेपन्स देने के लिए कोई नहीं है. 1, 2, 3, 4 एक्सप्लेन तो कर रहा है, स्टोरी चल रही. 5 स्टोरी नहीं का पार्ट नहीं है. सो डेफिनेटली सही गेस किया मैक्सिमम सबने, आंसर इज गोइंग टू बी 5. आंसर इज 5. तभी सारे गलत हो रहे हैं. क्या हुआ? सिंपैथी मिलेगी एंड ये क्या चल रहा है? चलो सेकंड चलते हैं क्वेश्चन पे. ओके हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. व्हाई नॉट ए मंथन? एक बार आते हैं व्हाई नॉट ए, क्योंकि फर्स्ट वाला तो इज लाइक आप अगर इसको पैराजंबल मानो ना तो ये पूरे स्टोरी का इंट्रोडक्शन ही कर दिया इसने कि आर्मी को अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस की नीड होती है. फिर 4 आया, लेकिन ये नीड को ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पूरा नहीं कर पाती. तो 1 और 4 तो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोरी का, 3rd भी इम्पोर्टेंट है. क्या बोल रहा है 3rd? कि इस नीड को पूरा उनकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है एंड 4th बोल रहा कर रहा है कि उस नीड को पूरा करने के लिए ये खरीदती है आर्मी खुद ही वेपन्स. 5th ने क्या बोला? टेंडर आएगा, एक्विजिशन डील आएगी तो करप्शन हो सकता है. ये 5th वाला एक जजमेंट है, अगर आप फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट के टर्म्स में बोलो 5th वाला एक जजमेंट है एंड 1, 2, 3, 4 क्या है? फैक्ट्स है, न्यूज है, बस वैसे आया. एम्युनिशन वेपन्स, आर्म्स एंड एम्युनिशन यानी कि वेपन्स, दोनों का मतलब ही होता है वेपन्स, लड़ने के लिए. हेलो काजल, वेलकम टू द क्लास. दवाई क्या हुआ भाई? ये दवाई ये क्या चल रहा है? हाँ गोली बारूद. नाम यूनिक था क्या? पबजी खेल के आए हो क्या सारे लोग? हेलो बनीता, वेलकम टू द क्लास. पुलिस वाला, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? ओके पार्डन प्रांजलि, यू शैल आई एक्सप्लेन दैट वंस अगेन? सी दैट वन, ओके दिस वन, अरे दिस इज टॉकिंग अबाउट अ पोटेंशियल करप्शन एंड 1, 2, 3, 4 आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन फैक्ट्स. This is the problem with the army and this is how they are trying to solve their own problem. But 5th one, while solving this problem, I think there is certain way decision loops to make money, corruption. No, not at all. So it's not 5, ऐसे, है ना? Hello Himanshi, welcome to the class. ऐसे, चलो भाई, next question करते हैं. Let us see this one. What to do with this? Take, don't get bored because that's not my intention to make anyone bored. And देखते हैं, इसका क्या answer आता है? क्या चल रहा है ये? आरुष प्रांजल पढ़ो इसे, आंसर करेक्ट आना चाहिए. अरे ऑड ढूंढो ना. वाई यस प्रांजलि, आपने आपने मैं प्रांजल बंसल को बोल रही हूं.
Done. Chalo, done. Let's start. This is easy. If you get the crux, this is super duper easy. ऐसा ही होता है. देखते हैं. आप दोनों का आंसर सही आना चाहिए. ओह शाबाश. 87% आंसर करेक्ट. ओह हो हो. That is so good. अब मेरे को पता ही नहीं चला नाम इतनी जल्दी 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 ऊपर जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा. इस बार करेक्ट लगा आंसर आरुष शाबाश. 82% ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. अब बस ये नहीं पता चला कि हाँ सम पीपल आर मार्किंग द गलत आंसर मिसफायर हो रहा है या तो. ओहो टॉप थ्री पोजीशंस तो रिटेन्ड. फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आई थिंक टॉप टेन रिटेन है. टॉप टेन रिटेन है. हाँ चलो अभी देखते हैं जरा जिनका गड़बड़ हुआ उनका देखते हैं. कुछ लोगों ने वन मार्क किया है कुछ लोगों ने सेकंड कुछ लोगों ने फोर्थ. क्या चल रहा है जरा देखते हैं स्टोरी क्या चल रही है. लेट्स डिकोड द स्टोरी. हेलो शुभांगी वेलकम. तन्मय 11th पोजीशन शाबाश. पहले लास्ट में था 11th में आ गए. ओके कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होना ही था. अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स अ कट इन इट्स पेट्रोलियम रिजर्व टेलविंड इन्फ्लेशन अनलाइकली ईज सिग्निफिकेंटली. ठीक है. हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग डैम्पन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक रिकवरी इलेक्शन ईयर. इलेक्शन ईयर है एक कंट्री की बात हो रही है. कौन सी कंट्री की नाम तो नहीं आया अभी तक. पॉलिटिकल इकोनॉमी इम्प्लीकेशन राइजिंग इन्फ्लेशन. एक चीज तो तय है इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पे प्रॉब्लम तो जरा बड़े सारे फेस कर रहे हैं. इकोनॉमिक रिकवरी इन्वेस्टमेंट डैम्पन तो वर्ड्स देखो इन्फ्लेशन चल रहा है बड़ा बड़ा कुछ बुरा सिचुएशन चल रहा है. इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है. राइजिंग इन्फ्लेशन फिर से चल रहा है. इंटरेस्ट रेट कट सारा बुरा 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 दिखाई दे रहा है. आरबीआई एग्रीड टू मेक प्राइसेस स्टेबल. ये इंडिया की बात हो रही है. रिड्यूस करेगा आरबीआई इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. 1, 2, 3, 4 तो हमारे कंट्री की बात कर रहा है. फिफ्थ किसकी बात कर रहा है. स्टॉक मार्केट डायलॉग बिटवीन ट्रंप एंड किम किधर से आया. 1, 2, 3, 4 बस आपको बस ऐसे देखना है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक एक वर्ड को देखो समझो एंड कंप्लेन करो कि मेरे को इतनी इकोनॉमिक्स नहीं आती मैं क्या करूं. उतनी मेरे को भी नहीं आती. आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. उतनी मेरे को भी नहीं आती. जरूरत भी नहीं है. इंग्लिश देखो इंग्लिश. 1, 2, 3, 4 हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं. किधर से पता चला. इन्फ्लेशन है तभी आरबीआई बोल रहा है मेरे को उसको रिड्यूस करना है. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन राइजिंग इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट इधर से सारा मतलब सब रिलेट तो कर रहा है. लेकिन फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है. ट्रंप एंड किंग इन दोनों का डायलॉग से हमें क्या करना. कुछ नहीं करना. कोई लेना देना नहीं है. 1, 2, 3, 4 इंडियन था. फिफ्थ वन वॉज इंटरनेशनल. ऑब्वियसली फिफ्थ वन इज द राइट आंसर. इन्फ्लेशन प्राइस राइज बढ़ती महंगाई है ना. हेलो जयश्री वेलकम टू द क्लास. एग्जैक्टली. चलो फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आई एम लिसनिंग टू योर लेसन सिंस लास्ट वीक एंड वी आर सी सीम्स टू बी अ केक वॉक. अरे शाबाश श्रीशा इट विल बी अ केक वॉक जस्ट डोंट वरी. ठीक है बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर इन अ वरी वी आर ऑल्सो इन अ हरी एंड हरी एंड वरी दोनों दुश्मन है आप लोगों के. अभी फोकस करेंगे कंसंट्रेट करेंगे स्पीड तो अपने आप आ ही जाती है. अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इधर कुछ टाइपो है आपको क्यों नहीं अंशु. टेंशन के वजह से आप बहुत सोचते हो टेंशन बहुत लेते हो. आप वीआरसी को एंजॉय किया करो. देयर इज अ डायलॉग ऑफ मेरा बड़ा फेमस है एंड सही में प्रेशियस डायलॉग है. वीआरसी के मजे लो वरना ये आपके मजे लेगा. सिर्फ वर्ड्स देखो आपको कुछ आना नहीं है आपको कुछ सीखना नहीं है. सिर्फ आप इंजॉय करो ना. अच्छा एक मिनट रुक जाओ. इसके बहुत सारे टाइपो हैं इसको मैं सही कर दूं अब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा. ये तो कैपिटल है ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है. ओके स्टेट डिपार्टमेंट एपोस्ट्रॉफी एस एपोस्ट्रॉफी. चलो ठीक है छोटा मोटा करेक्शन नहीं कर रही. ओके चलो ठीक है. बाकी देर आर सम मोर करेक्शन नीडेड उसको छोड़ो. ये दोनों करेक्शन की नीड तो थी. अभी कुछ नहीं ठीक है. टेक योर टाइम अंशु. टेंशन नहीं लो. टेंशन लोगे तो नहीं चलेगा. समझो क्या चल रहा है. स्टोरी समझो ना. स्टोरी तो समझती है. इंग्लिश ही तो है. डिफिकल्ट वर्ड्स को इग्नोर की जाती है. स्टोरी समझो देखो क्या चल रहा है. कंफ्यूजन है कोई बात नहीं फिर से पढ़ो. कंफ्यूजन होता है तो छोड़ देते क्या. फिर से पढ़ते कंफ्यूजन दूर करते फिर से पढ़ो. डोंट नो कोई बात नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो. टेक योर टाइम. अरे डोंट शेयर द आंसर ना. क्या कर रहे हो सारे लोग. होल्ड ऑन पोल चलाएंगे पहले पढ़ो. बस पढ़िए इसको कोई टेंशन मत लो.
दो चार क्वेश्चन और करेंगे, है ना, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा है, 4 और 5 कंफ्यूज कर रहा है, ओहो इतना बुरा। चलो ये रहा पोल, इजी। जिनको लॉजिक दिख गया वो कहेंगे इजी, लॉजिक नहीं दिखा आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर लॉजिक नहीं दिखे, सिर्फ लॉजिक देखना था, वो नहीं दिखा, कोई बात नहीं। रहने था फैजल, गुरु, प्रांजल, शाबाश, इट सेड 11% आंसर्स आर करेक्ट। अरे रे रे रे, हो गया सही, शाबाश शाबाश। प्रांजलि, ओ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, प्रांजल एंड प्रांजलि दोनों नाम है उधर, सो सॉरी। प्रांजलि आपका भी मैंने नाम अभी देखा, अंशु का भी नाम मैंने अभी भी देखा, मैंने प्रांजल बंसल देखा। ओके देखो, प्रांजल बंसल एंड प्रांजलि भी है इधर ना, प्रांजलि शर्मा। ऐसा कुछ नहीं। हाउ सी, अरे अभी देखते हैं हाउ सी। पहले तो सबसे पहले ओहो सत्ता पलट गई, ये बात। सो स्वप्निल, ब्रजेश, श्रीशा, सो वाओ स्वप्निल, सारे सही, शाबाश। चलो सी कैसे अभी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक एक करके सारा देखेंगे, लॉजिक समझेंगे, स्टोरी समझेंगे, सी कैसे, हाउ सी, अभी रुक जाओ। फर्स्ट क्या बोल रहा है, पेंटागन है यूएसए का, उसका एक एजेंसी है डिफेंस का, ठीक है, उसने यूएसए के कांग्रेस को, अब इधर तो हमारा पार्लियामेंट के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, उधर शायद अलग है, उधर पेंटागन अलग है, कांग्रेस अलग है, हमें क्या करना है, चलो हम समझते हैं। पेंटागन का ये जो एजेंसी है, उसने यूएसए में जो कांग्रेस है उसको स्टेट डिपार्टमेंट के लिए हुए एक डिसीजन के बारे में बताया। ओहो क्या डिसीजन था, मेरे को क्या पता, पढ़ते हैं। द सेल, सेल क्या डिसीजन सेल की थी, क्या पता, इज एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू इफ नो लॉ मेकर अपोज। देखो इतना तो तय है कि इधर जैसे पार्लियामेंट होता है, उधर या तो वो पेंटागन बोली जाती है या कांग्रेस, उधर कांग्रेस बोली जाती है, इधर पार्लियामेंट बोला जाता है, इतना ही है। एंड उधर का डिफेंस डिसीजन पेंटागन में होता है, तभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये जनरल नॉलेज है। हमारे यहाँ का पार्लियामेंट, उधर होता है कांग्रेस, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉ मेकर बैठते हैं, वो डिबेट करते हैं, अपोज भी करते हैं, उधर भी ये एक सेल है, अगर इसको, इफ इसको कोई भी लॉ मेकर अपोज नहीं करता तो ये सेल पास हो जाएगी, ये डील हो जाएगी। अब वो सेल क्या है, वो डील क्या है, वो सेल और डील हमें 4 और 5 बता रहा है। 4 में बता रहे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उसने क्या किया है, 6 अपाची हेलीकॉप्टर इंडिया को बेचेगा, तो यही वो सेल है जिसके बारे में पॉइंट नंबर 2 बात कर रहा है, ये तो तय है। अच्छा लॉ मेकर की बात आई, लॉ मेकर तो कांग्रेस से रिलेट कर रहा है, तो ये भी रिलेट तो पक्का कर गया। थर्ड का क्या है, थर्ड मैंने अभी पढ़ा नहीं है। थर्ड ने बोला, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू इन्वेस्ट इन मोर डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील सो दैट इट कैन कीप विद अदर नेशंस। ये बोला किसने, इंडिया के लिए ये बात जरूरी है कि इंडिया को और ज्यादा डिफेंस की चीजें खरीदनी चाहिए। ये किसने बोला, यूएसए बोल रहा है क्या, कौन बोल रहा है, पता नहीं चला। अच्छा फिफ्थ क्या बोल रहा है, ये जो अपाची हेलीकॉप्टर, गाइस यहाँ पे कुछ ना जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक है, वरना ये सेंटेंस जो बोलने चाह रहा है ये है कि ये हेलीकॉप्टर के फीचर्स क्या है, राइट। सो ये रिलेटेड है, जो रिलेटेड नहीं है वो है 3, ऑड जो है वो है 3। 3 कैसा जा रहा है पता है, 3 जा रहा है एक ओपिनियन की तरह, 3 जा रहा है ओपिनियन की तरह, एडवाइस की तरह, एज इफ कोई इंडिया को एडवाइस कर रहा हो कि डियर इंडिया यू शुड प्रोक्योर मोर एंड मोर डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस स्टफ यू शुड प्रोक्योर मोर एंड मोर, और खरीदो। इंडिया को ओपिनियन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। अच्छा 1, 2, 4, 5 सुनने में कैसा लग रहा है, 1, 2, 4, 5 सुनने में न्यूज लग रहा है, लॉजिक से चीजों को देखना है, 1, 2, 4, 5 सुनने में पार्ट ऑफ द न्यूज लग रहा है, तभी बोली जाती है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, वो सेंस खुद से डेवलप होगा कि अरे यार ये तो न्यूज चल रहा है। एंड पॉइंट नंबर 3 कैसी चल रही है, ओपिनियन चल रही है, स्टोरी तो देखनी थी। चीजें इजी हैं, लेकिन इजी तुरंत कोई नया चीज देख के इजी नहीं लगता, गलती आपकी है, बिल्कुल नहीं है, गलती किसी की नहीं है, प्रैक्टिस की नीड है रेगुलर रीडिंग की। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूंगी कि नॉवल पढ़ो या ये पढ़ो वो पढ़ो, आई विल ओनली से न्यूज़पेपर पढ़ो। पूछते हैं एन पढ़ू कि नहीं, ये पढ़ू कि नहीं, मर्जी है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। आप लोगों के पास वो स्किल डेवलप होगा, न्यूज क्या है वो सूंघ लेने का, ओपिनियन क्या है वो सूंघ लेने का, यही तो आपको आरसी में भी करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, दैट्स इट। हेलो अंकिता, गुड इवनिंग, वेलकम। अभी देखो कॉमेंट्स में मैंने क्या क्या मिस किया, एक तो तुम लोगों के ये चिट चैट खत्म नहीं हो रहे,
देयर इज द लिंक बिटवीन 3 and 4, बट वी जस्ट सॉ की दिस लिंक बिटवीन, देयर इज नो लिंक. व्हाई? यू नो, बिकॉज हु इज सेइंग दिस इज नॉट नोन. सोर्स इज क्वेश्चनेबल. हु इज सेइंग दिस? इज दिस कम, इज दिस अ न्यूज फ्रॉम US? नो, डोंट नो. सो सिंस सोर्स इज नॉट देयर, सो वी कैनॉट कमेंट कि पॉइंट नंबर 3 आया कहाँ से. सो वी विल कंसिडर इट एज अ जजमेंट, वी विल कंसिडर इट एज अ ओपिनियन. ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाले जजमेंट, फैक्ट, इन्फरेंस का कॉन्सेप्ट किधर से आया? आई टुक वन सेशन पिलर्स ऑफ VRC. अगर आपने नहीं देखा उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना. आप लोग अपने आने वाले सारे सेशन में समझ जाएंगे एग्जैक्टली वॉट इज फैक्ट, एग्जैक्टली वॉट इज जजमेंट, और क्लैरिटी होगी. हेलो राजश्री, वेलकम. ओके, नो, डोंट से सॉरी, डोंट से सॉरी. पॉइंट वन में ये कंफ्यूजन, वेट वेट वेट, कॉमेंट नीचे चला गया, एक सेकंड रुक जाओ. पॉइंट वन में ये कंफ्यूजन, अरे रुक जाओ. आई एम अनेबल टू कॉमेंट प्रॉपरली अंकिता. चलो कोई बात नहीं, वॉट एवर वे यू आर एबल टू कॉमेंट इट विल बी फाइन, मैं डिकोड कर लूंगी. पॉइंट वन में कंफ्यूजन था कि एक मिनट, कोई कॉमेंट टाइप करना बंद करो. बार बार मेरा ऊपर चला जा रहा है, सॉरी. कि कांग्रेस रेफर टू, हेलो अभिनव, वेलकम टू द क्लास. कि कांग्रेस रेफर टू इंडियन कांग्रेस, हाउ डू यू इंटरप्रिट इट इज नॉट फॉर इंडिया? देखो देखो देखो, ओके, दिस इज नॉट इंडिया का कांग्रेस. इन USA, GK says कि USA has two departments. USA में तो दो, जैसे इंडिया में तो एक पार्लियामेंट ही है जो सारा कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडी है. USA में दो होता है, USA में एक होता है कांग्रेस जो कि USA का पार्लियामेंट की तरह है. कांग्रेस इज हेयर इन टर्म्स ऑफ USA. हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट पेंटागन ऑल्सो. पेंटागन एंड कांग्रेस बोथ आर अ पार्ट ऑफ US. यस, अंडरस्टैंडिंग दिस वॉज थोड़ा सा ट्रिकी कि मेरे को कैसे पता ये कांग्रेस USA वाला कांग्रेस है कि इंडिया वाला. कंटेंट देख के, आगे पीछे ऊपर नीचे देख के पता चला कि USA इंडिया को सेल कर रहा है हेलीकॉप्टर. तो अगर USA को हमें हेलीकॉप्टर बेचना है तो शायद उनको उधर के जो पार्लियामेंट है, यानी कि उनका जो कांग्रेस है, वहां पे डिस्कशन करना होता होगा. मान लो कि इंडिया को एक नया कुछ रूल लॉ या कुछ अलग करना है तो उसको यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कशन करना, उनका रूल अलग होगा. सो उनको कांग्रेस में डिस्कस करना है. ये कहां से पता चला? सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद क्रैक हुआ. कोई भी चीज तुरंत एक ही बार में बिना दूसरे पॉइंट्स को देखे नहीं पता चल सकती. सो इट इज वेरी ओके अगर वो एक बार में डिकोड ना हो, ठीक है? उसमें टेंशन नहीं लेना है. 1, 2, 4, 5 अरेंज भी कर दिया, शाबाश. इन 4 US अटैकिंग एंड 4 इंडिया डिफेंस. US इज जस्ट सेलिंग द हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर का नाम है अपाची अटैक हेलीकॉप्टर. देर इज नो नीड ऑफ कमेंट फ्रॉम पेंटागन. No need, but they have just inserted it. Why it is so? Ankita, kya cheez? Kaun sa logic? Hello Shibani, welcome. Aaj comments bahut jaldi jaldi ja rahe hain. Tom, class topic time. My class topic times, Neha, for now, to this is, I started the class at 8 p.m. and it is about to end in 15 minutes. 100 bachche, ek minute, kya bol rahe ho? Kidhar gaya? Comments upar. कि कौन काउंट किया अभी? नहीं नहीं, मेरे को कैसे पता? मेरे को तो नहीं पता चल रहा. स्पेस एरर अंकिता, कोई टेंशन नहीं, चलो हो जाता है. लैपटॉप में होता है ये एरर है. देखो अभी जब रेट करोगे ना क्लास को, अपवोट करना, लेकिन उसमें टेक्निकल इश्यूज में डाल देना. बहुत जल्दी टाइम हो गया. ओके, रिफ्रेश करने से हो जाएगा. कोई इंपॉर्टेंट कॉमेंट अगर मैं मिस कर रही हूँ तो उसको प्लीज फिर से डाल दो, क्योंकि मैं ऊपर जा रही हूँ, कॉमेंट नीचे भाग रहा है. कोई क्वेश्चन वाला कमेंट हो तो वो बताओ, अभी दो मिनट के रुक जाओ. इज देयर एनी कमेंट रिगार्डिंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गड़बड़ मार्क किया था. कंफ्यूजन, ओके, देवांशी का कंफ्यूजन. ओके देवांशी, होपफुली आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उसमें गड़बड़ क्या था. हाँ सब लोग है इधर. चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अगर कोई गड़बड़ हो तो बिल्कुल लिख के बता देना. हाँ ये सारो स्पेशल क्लास एक घंटे की. अब देखो क्वेश्चंस आर नाउ गोइंग टू बी वन मोर लेवल अप, ठीक है? इसको रुक जाओ, इसको करना है. दिस इज अ खतरनाक क्वेश्चन, डोंट डू दिस. लेट अस डू दिस फर्स्ट, फिर पीछे वाला करेंगे. ये अल्टीमेट क्वेश्चन रखेंगे पीछे वाला, पहले इसको करो.
क्योंकि वो पीछे वाला क्वेश्चन आई चैलेंज यू ऑल, सबका गलत होने वाला वो पीछे वाला, ठीक है? लेकिन ये गलत हो तो बुरा होगा, इसमें लॉजिक लगाना है, इसमें लॉजिक लगाना है। पढ़ो इसको, आराम से पढ़ेंगे। एंड अब ये मत पूछना कि इसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग क्या, कंटेक्स्ट से मीनिंग आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल लॉजिकल है, लेकिन आपको ठीक से रीड करना है, टेंशन ना लेके एंड सोच समझ के माइंड वर्क करना चाहिए। कमेंट्स में शेयर नहीं करना, इधर शेयर करना है, पोल में, पोल आई एम अबाउट टू स्टार्ट। डन, शाबाश, लेट्स स्टार्ट, हियर इज द पोल। बिल्कुल लॉजिक से चलेंगे, इंग्लिश मतलब ही लॉजिक होता है। इंग्लिश वीआरसी इज हाफ अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। शाबाश, स्नेहा, आगम, शुभांगी, श्रीशा, शुभांगी, ओके, देयर आर टू शुभांगी इन द क्लास, दोनों का सही है। सुप्रिया, प्रांजलि, सोनी, प्रांजल, रितेश, ये मत बोलना कि मेरा नाम गलत लिया, नहीं लिया। इज इट ए, आई डोंट नो, ई, आई डोंट नो, ओहो हो हो, अभिनव, एक और नाम था, चला गया। ओहो, द टॉप थ्री, शाबाश श्रीशा, शाबाश, नाइस। एंड बाकी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग लगभग टॉप 10 में लगभग लगभग वही सारे स्टूडेंट्स लोग। शाबाश श्रीशा, वेरी गुड, मुझे पता था लोग ए कर ई करेंगे, आपको पता था। चलो, टुमारो क्लास टाइम, टुमारो मुझे देखना पड़ेगा, टुमारो आई विल नोटिफाई इट। प्रकाश क्लास में हो, कौन है क्लास में, इधर जिसके पास ग्रुप का लिंक है वो डालो, ये वाले का, एक मिनट, प्रकाश डाल देना, ठीक है, लिंक अभी, पहले क्वेश्चन हो जाए उसके बाद डालना। सो देयर इज अ ग्रुप का लिंक, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर नोटिफिकेशन। चिट चैट चल रहेगा, लेकिन पता नहीं चिट चैट होगी कि नहीं होगी, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए, स्पेशल क्लास लर्नर्स के लिए स्पेशल सा ग्रुप मैंने बना के रखा है, ओके? उधर आई कीप ऑन अपडेटिंग। एंड फर्दर अगर आप लोग अभी तक अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया, उधर भी कर लेना, डेली आई पोस्ट माई शेड्यूल। कल का शेड्यूल अभी फिक्स नहीं किया, इसीलिए आई कैनॉट कमेंट, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्या बोलता है, लेजिस्लेटिंग लॉज। अच्छा, लॉ, लेजिस्लेचर एंड लॉ मतलब तो सेम ना, पहले पढ़ लो फिर बातें करना। एक देखो, प्लस सब्सक्राइबर्स का मैंने ग्रुप अलग कर रखा है, एंड स्पेशल क्लास लर्नर्स का कलेक्शन मेरा अलग है, ग्रुप्स मेरे दो हैं, अलग है, उसका लॉजिक है इसका। मोनूजी, थैंक यू सो मच, क्योंकि प्लस सब्सक्राइबर्स लोगों का वो क्लास का लेवल एंड स्पीड अलग हो जाता है। एंड वहां पे प्लस के जब मैं नोटिफिकेशन शेयर करूंगी स्पेशल क्लास लर्नर्स को, उन नोटिफिकेशंस का कोई काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप उन लिंक्स पे क्लिक करोगे जो आपके ओपन नहीं होंगे, इसलिए स्पेशल क्लास लर्नर्स के लिए मैं वो लिंक ही शेयर करती हूँ ग्रुप में जो आपके लिए ओपन होंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, मैं डिफरेंशिएशन नहीं करती हूँ, दैट्स इट। चलो, काम करते अपना। लेजिस्लेटिंग लॉज जो प्रोहिबिट करेगा मैरिज बिटवीन रेसेस, बस पढ़ो आप, अभी दो मिनट रुक जाओ। हर्ट कपल्स इन्वॉल्व बिटवीन रेसेस, अगर अलग रेस है, इंडिया में कास्ट होता है, ये किधर की बात हो रही है, ये यूएसए की बात हो रही है, उधर रेस होता है, उधर ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर रहता था, अभी तो नहीं, पहले बहुत रहता था, इंडिया में भी अभी कास्ट का चक्कर नहीं है, पहले तो और रहता था, बहुत ही रहता था। तो रेसेस के इंटर रेस मैरिज में प्रोहिबिशन, ये ए बोल रहा है। बी ने क्या बोला, ऑफन कपल्स जो साथ में रहे हैं सालों तक, उनको सेपरेट करना हो, क्यों, क्योंकि उनके मैरिज में प्रोहिबिशन, तो ए भी लॉजिकली सही है। सी ने क्या बोला, दीज लॉज, शायद इसी लॉ की बात कर रहा है, प्रोहिबिट इंटर मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। सी भी वही बोल रहा है जो ए बोल रहा है, तो ए बी सी एक ही पैराग्राफ का पार्ट है, ये कन्फर्म होता है, या तो आंसर डी है या तो है ई। डी ने क्या बोला, विच कॉज्ड लोनलीनेस, हाँ सही बात है, एंड बिटरनेस, सही बात है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, सही है, उनको लॉ नहीं पता थी, सही है, एंड अ डिजायर टू सी देमसेल्फ एज बेटर देन पीपल ऑफ अदर रेस। उत्तरी पढ़ा इसको, ये नहीं पढ़ा किसी ने, जो डी बोल रहे हैं, जो डी बोल के चिल्ला रहे हैं, उसने ये नहीं पढ़ा, बड़े खुश हो गए एंड मार्क कर दिया है। लोनलीनेस, सेपरेशन, ठीक है, लेकिन ये खुद को दूसरे रेस से बेटर कैसे देखेगा, ये तो खुद ही दो लोग अलग रेस के हैं जिनको सेपरेट किया जा रहा है एज अ कपल। सो अगर दो लोग अलग रेस का है तो कौन खुद को सेपरेट, कौन खुद को दूसरे रेस से अलग, ये क्या लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं है,
इनफैक्ट ये तो लॉजिकलेस स्टेटमेंट हुआ। यहां से पता चला कि डी में बहुत गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत बहुत गड़बड़ है। इधर तक तो सही था, सारे लोग खुश हो गए कि सेंटेंस विल बी अपार्ट, लेकिन लास्ट नहीं पढ़ा, ऑब्जर्वेशन गड़बड़ है ना। हेलो मुस्कान, हेलो अशोक, वेलकम। फिफ्थ, मिसजनरेशन लॉ, वर्ड इन्फोर्स, कुछ खास बोला ही नहीं। इस लॉ का नाम दिया, ये लॉ यूएसए की थी, 1960s के जमाने की थी, फैक्ट है। लेकिन डी गड़बड़ हो गया, इसीलिए डी हमारा ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बट आई हैव शोन यू इट सॉल्यूशन। देखो जरा इसका आंसर वन है क्या? हाँ, इसका आंसर वन ही है। लेट्स डू दिस। That is the very last question that we are going to do. सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से क्लास को एंड करना है, गिन के। फिर आप में से काफी सारे लोगों को अभी दूसरे क्लास में भी जाना है, सर की क्लास भी है। ECD भी अरेंज हो रहा था उसमें, हो सकता है, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। लिंक फॉर स्पेशल क्लास, व्हाट्सएप नंबर, प्रगति, एक लिंक अभी आई थी ना, मोनोजीत ने एक लिंक शेयर किया है कॉमेंट्स में, वो है ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। एडमिन मैं ही हूं, तो ग्रुप में आप आ जाओगे तो यू कैन टॉक टू मी देयर। बोर्ड गायब हो गया, फैजल रिफ्रेश कर लो एक बार पेज को, हो सकता है कि मतलब नेट इश्यू होता है ना, इंटरनेट इश्यू का चक्कर है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। पोल लेके आए, चलो ये लाते हैं पोल, हियर इज द पोल, एक मिनट लेट मी सी क्या चल रहा है इसमें। ओके, ये इसका आंसर है, मिल गया, आई तो गॉट द आंसर। शबाश, प्रांजल, अर्चित, देवांशी, लकी, श्रीशा, आगम, तौसिफ, मनु, गुरु, ब्रजेश, सत्यम, प्रकाश, आरुष, शबाश, 55% ऑफ द क्लास का सही है, सुप्रिया, यस, ओहो ओहो, शाश्वत, अंकिता, ओशियन भाई, अब से तो सागर का नाम ओशियन फिक्स, मोनोजीत, ओके, तो फाइनली टॉप कौन कर रहा है? श्रीशा, देन बुलाई, स्वप्निल, लिख के रखा है मैंने, जब तक नाम फुल्ली याद नहीं हो जाता लिख के रखा है, ब्रजेश, शाबाश, नितिश, दीप, अभी, सुप्रिया, सागर, माला, मनोजी, शाबाश, टॉप 10 में फाइनली आप लोग पहुंचे। अंत भला तो सब भला प्रांजल, सही बात है, अंत भला तो सब भला। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं एंड इसको खत्म करते हैं। इसने क्या बोला, किधर गया? ओके, डूइंग सो वुड इन्वॉल्व कंसिडरेबल लॉजिस्टिक जगलिंग बिकॉज CBSE ऑफर इतने कोर्स, इतना पर्पस म्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अरे रे 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 रे, मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो इधर भी टाइपो था, टाइपो में भी सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने, सही है यार, पर मल्टीपर्पज कम मल्टीपल होना चाहिए था, मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चलो पॉसिबल। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन का क्या करना पता नहीं, ये तो सिर्फ एक डेटा है, इसका क्या करना पता नहीं। टू प्रिवेंट लीक, हमें कुछ तो आइडिया चाहिए इसमें चल क्या रहा है, सच एज क्लास 12th इकोनॉमिक्स पेपर, HRD मिनिस्ट्री रिकमेंडेड शॉर्टनिंग प्रोसेस ऑफ एग्जाम। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस प्रोसेस में बहुत सारे पॉसिबल, हो सकता है 1 और 2 रिलेट करें, क्योंकि HRD मिनिस्टर एग्जाम प्रोसेस को शॉर्ट करने का सोच रहा है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पेपर लीक होता है। अच्छा, इधर क्या बोले, इतने 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 कोर्सेज हैं, कैसे होगा, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है एग्जाम्स के करने के, करवाने के, कंडक्ट, शायद ये दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहा है। अगर ये एक टॉपिक पे बात पक्का कर रहा है तो ये सही है, अगर नहीं कर रहा तो पता नहीं। थर्ड पढ़ते हैं, HRD मिनिस्ट्री शुड लुक वेदर द पब्लिश्ड बुक कंटेन्स टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन और इंस्टेंस फाउंड दैट स्मॉल मिसप्रिंट वर्ड इन इंग्लिश बुक डिजास्टर्स स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, थर्ड का क्रक्स क्या है, सारे वर्ड्स की जरूरत नहीं है, मेन बात निकालो बाकी खत्म। थर्ड वाली बात बोल रहा है मिसप्रिंट, किधर पे, इंग्लिश बुक्स पे, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, 1 और 2 थोड़ा सीरियस बात कर रहा है, पेपर लीक प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए। थर्ड किसकी बात कर रहे हैं, बुक्स में काफी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे यार, बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है वो अलग मुद्दा है, देखा जाए तो थर्ड एक अलग मुद्दा है, बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक, मिसप्रिंट। एंड फर्स्ट वाले में, फर्स्ट का थोड़ा अगर क्लियर नहीं भी समझ में आए, लेकिन सेकेंड वाले का मुद्दा ही अलग है, पेपर लीक प्रिवेंट करना है। अगर डिसाइड नहीं हुआ तो फोर्थ पढ़ते हैं, सजेशन आया,
अनदर सजेशन, और इधर भी बोला द कमिटी सजेस्टेड, लॉजिकली 4 और 5 तो रिलेटेड है, एक ही सजेशन पढ़ लेते अपना काम हो जाएगा. कमिटी ने क्या बोला, डबल इंक्रिप्टेड सिस्टम ले आते हैं एग्जाम पेपर, तो इससे ये तय है कि यही वाला आइडिया रन कर रहा है, पेपर लीक वाला. एंड वन उसी का कॉम्बिनेशन की बोल रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कैसे होगा, वो उसकी बातों पे चर्चा कर रहा है. सो बचा क्या, थर्ड जो बुक्स में मिसप्रिंटिंग का फालतू मुद्दा उठा रहा है, इधर 1, 2, 4, 5 मिलके क्या चर्चा कर रहा है, क्वेश्चन पेपर का लीक हो रहा है, कैसे बचाए इन इंस्टीट्यूट्स को वगैरह वगैरह. सो थर्ड इज द ऑड वन थ्रू लॉजिक. बस हो गया, कल भी क्लास है. कल अभी तक मैंने प्लान तो नहीं किया, अपना रेफर कोड मैं दे रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऊपर अवेलेबल है, ठीक है. सो ये रहा अभी कल का क्लास. एक्चुअली पता है इस अभी मैं बताऊँ व्हाट इज द डेट टुडे, इसमें कल मेरा कोई स्पेशल क्लास नहीं है, कल प्लस क्लास रिज्यूम होगा. प्लस लर्नर्स 11 बजे मिलना है एंड 2 बजे मिलना है, बता दे रही हूँ. 11 बजे आरसी प्रैक्टिस होगी, 2 बजे ऑड सेंटेंस आउट के कॉन्सेप्ट्स, यानी कि प्लस वाले लोगों ने जिनको अभी मैंने आज ये पढ़ा दिया, आपको मैं ऑड सेंटेंस आउट पे थोड़ा सा ये वाले एंड थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन बनाने वाली हूँ. एंड 29th को मेरा अगला स्पेशल क्लास है. गाइस 29th को मेरा नेक्स्ट स्पेशल क्लास है, वो भी ऑड सेंटेंस आउट पे, ठीक है, स्पेशल क्लास वालों के लिए. ऑड सेंटेंस आउट 29th को है 8 बजे. अभी 2-3 दिन नहीं है, 2-3 दिन मेरे से ब्रेक आप लोगों को. आप लोग अनअकैडमी एंजॉय करो, एंड जिनका जो सिलेबस कवर करना है उसके बाद मार्च में मिलेंगे. इस मंथ ओनली 29 को 8 PM में मेरा नेक्स्ट स्पेशल क्लास होगा, बाकी मिलते रहेंगे अप्रैल में. बिल्कुल, हेलो खुशी, वेलकम. वेलकम भी क्या, आप तो बस जा ही रहे हैं. सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले स्पेशल क्लास में 29 को. एंड प्लस वाले लोग कल मिलना क्लास 11 बजे और 2 बजे, ठीक है. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास. थैंक यू प्रकाश, आपको फिर से थैंक यू. एंड मोनोजी, आपको भी, आप लोगों ने ग्रुप लिंक शेयर किया, थैंक यू. चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे. टाइमिंग प्रगति 8 PM दिस टाइम, सेम टाइम. चलो फिर, ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू.